एक ऐसी मूवी जो भारत में शायद पहली बार बन रही है। आज से पहले इस तरह की कोई मूवी आपको भारत में देखने को नहीं मिली होगी और आप देख रहे हैं भारत की जिज्ञासा। पुराणों की माने तो आने वाले समय में यह कलयुग घोर कलयुग में बदलने वाला है, जहां सिर्फ अधर्म का ही बोलबाला होगा। एक ऐसी दुनिया होगी जहां बुराई अच्छाई से ज्यादा ताकतवर होगी। लोग अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचेंगे। और ठीक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे भारत में पहली बार एक फिल्म बनाई जा रही है और इस मूवी का नाम कल्कि बताया जा रहा है। ये एक ऐसी मूवी है जैसी शायद आज से पहले कभी भारत में नहीं बनाई गई है। दोस्तों, पहले तो इस मूवी को प्रोजेक्ट के नाम से प्रेजेंट किया जा रहा था, लेकिन अब फाइनली इस मूवी का नाम कल्कि 2898 AD रख दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 2898 क्या है और आखिर इस मूवी का नाम यही क्यों रखा गया। तो दोस्तों, ये एक फ्यूचरिस्टिक मूवी है जिसमें सन 2898 का वक्त दिखाया जाएगा, जब हमारी इस दुनिया में अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और धर्म की स्थापना करने के लिए कल्कि अवतार जन्म लेंगे। इस मूवी में आज से लगभग 800 साल बाद की हमारी पृथ्वी की सिचुएशन दिखाई जाने वाली है। शायद दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कल्कि कौन है और वो हमारी इस पृथ्वी पर आकर क्या करने वाले हैं और इस मूवी के अंदर क्या दिखाया जाने वाला है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि नाग अश्विन 500 से 600 करोड़ का बजट लेकर एक मूवी बनाने वाले हैं। ये एक फ्यूचरिस्टिक मूवी है जो पूरी तरह से फ्यूचर पर बेस्ड है और इसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण, राणा दग्गुबाती और कमल हसन जैसे महान एक्टर दिखाई देने वाले हैं। इन एक्टर्स के बारे में सुनकर लोगों का एक्साइटमेंट इस मूवी को लेकर और भी कई गुना बढ़ चुका है। चलिए तो आज जानते हैं कि आखिर इस मूवी में क्या क्या दिखाया जाने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों, जो इस मूवी में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि आज भी अश्वत्थामा भगवान शिव के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए जाते रहते हैं। और इस मूवी के टीजर में हमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर भी एक शिव मंदिर के अंदर ही दिखाया गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि हो सकता है कि अमिताभ बच्चन परशुराम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, क्योंकि भागवत पुराण के अकॉर्डिंग परशुराम ही कल्कि अवतार को ट्रेन करने वाले हैं और उन्हें अलग अलग शस्त्रों की शक्तियां और उनकी काबिलियत के बारे में सिखाने वाले हैं। और अभी तक हमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर भी एक टीचर टाइप ही दिखाई दे रहा है, जिसके लिए कई लोगों का मानना है कि अमिताभ बच्चन परशुराम का कैरेक्टर प्ले कर रहे होंगे। इसके अलावा इस मूवी में डिस्टोपियन वर्ल्ड भी दिखाया जाएगा। ये एक ऐसी दुनिया है जहां नेचुरल रिसोर्सेस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो कल्कि 2898 वो मूवी है जिसमें सच्चाई और अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं दिखाई जाएगी। हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला होगा। पापियों का जुल्म इस हद तक बढ़ जाएगा कि इसे खत्म करने के लिए कल्कि अवतार का जन्म होगा। बुरे और अत्याचारी लोगों का राज इस दुनिया के ऊपर होगा और इसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया बंजर हो जाएगी। हमारी जमीन पर अनाज का एक दाना भी नहीं रहेगा, यहां तक कि लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे, जिसका एक सीन हमें कल्कि मूवी के टीजर में दिखाया गया है। इसके बाद होगा द राइज ऑफ कल्कि। दोस्तों, इस मूवी के अंदर प्रभास का जो कैरेक्टर होगा वो पूरी तरह से अननोन रहेगा। कल्कि यानी कि प्रभास को ये नहीं पता होगा कि आखिर वो है कौन और उनका जन्म किस लिए हुआ है। ये मूवी लॉर्ड विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के ऊपर फोकस करने वाली है और इस मूवी के आखिर तक प्रभास को ये रियलाइज हो पाएगा कि वही भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार है और उन्हें ही कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करनी है। और आखिर में इस मूवी की एंडिंग बहुत ही ज्यादा शॉकिंग, सरप्राइजिंग और सैडनेस से भरी होने वाली है। और इसके और आखिर में कलयुग का खात्मा करके सतयुग की शुरुआत दिखाई जाने वाली है। शायद इस मूवी के बारे में आप ये समझ रहे होंगे कि इसके स्टार्टिंग में ही कल्कि और कली की लड़ाई को दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर ये चीज कहीं भी दिखाई नहीं देने वाली है, क्योंकि फिल्म मेकर ने ये बात बहुत ही पहले बता दी थी कि कमल हसन जो कि कली का कैरेक्टर निभा रहे हैं वो सिर्फ मूवी के एंड में ही दिखाई देंगे। और स्टार्टिंग में तो प्रभास खुद ही नहीं जानते होंगे कि वो लॉर्ड कल्कि ही है और इस वजह से फर्स्ट पार्ट के अंदर तो कली और कल्कि की बैटल तो कहीं भी नहीं दिखाई देने वाली है। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस मूवी के अंदर प्रभास का कैरेक्टर कैसा होने वाला है। तो इस मूवी के अंदर प्रभास श्रीराम की तरह ईमानदार और इनोसेंट दिखाई देने वाले हैं और इसके अलावा उन्हें श्रीराम की तरह चार्मिंग और श्री कृष्ण की तरह हसमुख और चंचल दिखाया जाएगा। इसके अलावा हमें इस मूवी में द्रौपदी युग में टाइम ट्रेवल भी दिखाया जा सकता है,
जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आखिर कलयुग की शुरुआत किस तरह हुई। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जो उस मूवी के अंदर दिखाई जाने वाली हैं। अभी इस मूवी की हल्की हल्की झलक ही हमें दिखी है और इसी के आधार पर हम समझ पाए हैं कि इस मूवी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी 27 जून 2024 को रिलीज की जाने वाली है। इसके बाद ही पता चलेगा कि असल में इस मूवी में नाग अश्विन ने हमें क्या दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।